असलकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे खैरित के साथ होंगे इन ताला आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम कर रहे हैं आज थोड़ी सी ब्रांड शॉपिंग और साथ ही मैं आपके लिए कुछ ज़बरदस्त से लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो अगर आप डेली रूटीन के लिए कुछ न्यू आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं तो आपने ये मेरी लाजमी वीडियो फुल वॉच करनी है ठीक है तो सबसे पहले जी आज प्लान मेरा था कि जैसे बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैंने कहा चलें चलते हैं हम क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि हस्बैंड को टाइम मिलता है तो वो हमें ले जाती हैं तो बस जी जल्दी जैसे ही मुझे लगा कि आज हस्बैंड थोड़े से फ्री हैं मैंने अपने बच्चों को रेडी किया और रेडी करके हम चले गए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ कि अब तो बिल्कुल एंड है ये फिफ्टी परसेंट या थर्टी परसेंट ऑफ है सारे ब्रांड्स में तो मैंने कहा इस बार ना मैंने बिल्कुल भी चक्कर नहीं लगाया एक राउंड तो बनता है कि बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे मैं जाऊँ इस तरह जी सबसे पहले मैं आ जाती हूँ यहाँ पे ब्रांड शॉपिंग के लिए आज का प्लान है कि कुछ ब्रांड के कपड़े ख़रीदे जाएँ मैं देखती हूँ कि ब्रांड का फैब्रिक और डिज़ाइन कैसा है और आज हम थोड़ा सा सीज़न के मुताबिक कुछ लाइक ट्रेंडी आउटफिट्स भी चेक करेंगे और जो आजकल कुछ ट्रेंडिंग जा रहा है वो भी मैं चीज़ें देखूंगी अच्छा ये होता है कि जैसे यहाँ पे ऑफ होता है फोर्टी परसेंट या थर्टी परसेंट ऑफ होते हैं तो इसमें ये होता है कि डिजाइनिंग तो वही होती है बहरअल आपको थोड़ा सा ज़रा अच्छा स्टफ़ मिल जाता है तो आप जब पहनते हैं तो बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं तो मैं कहती हूँ कि जब भी आप कपड़ा पहने जहाँ पे आपने तीन सूट लेने हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी के कंफर्टेबल आप दो सूट भी ले लेते हैं ना तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप सस्ते ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं तो वो इतने चले भी ना तो वो भी तो आपके पैसे वेस्ट हैं ना और मैं आज यहाँ पे ये भी देखूँगी कि भी मुझे जो चीज़ पसंद आएगी वो मैं लूँगी क्यों क्योंकि ना मैंने जो इस साल मैंने कपड़ों की जितनी भी ज़्यादा शॉपिंग की थी ना उसमें से दो स्टिच किए हुए अभी मैंने ड्रेस नहीं यूज़ किए और दो मेरे अनस्टिच भी पड़े हुए हैं तो वो मैं माइंड पे रख जाती हूँ ये बिल्कुल भी नहीं होता कि बस जा रही हूँ तो ज्यादा से ज़्यादा कपड़े बस खरीद लूँ होता है ना कि जैसे आप कभी भी किसी ब्रांड में किसी भी कोई आम सी शॉप पर भी जाते हैं तो आपका अगर किसी सूट पर दिल आ जाता है तो आप फ़ौरन कहते हैं कि बस ये ले लूँ ये ले लूँ तो आप क्या करते हैं तो वो आप फ़ौरन सूट तो ले लेते हैं और आप उसको स्टिच भी नहीं करवाते हैं और जाके वहीं रख देते हैं तो इस तरह करते करते आपके इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं जो आप यूज़ भी नहीं करते हैं और मैं कहती हूँ इस तरह आपके पैसे वेस्ट होते हैं मैं हमेशा अपना बजट देखती हूँ बजट को देखते साथ ही मैं ये चीज़ करती हूँ और मैं कहती हूँ सबको इस तरीके से ही करना चाहिए और यहाँ पर बहुत अच्छे डिज़ाइन थे और आपके साथ शेयर इसलिए करी करूँ ताकि अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ पसंद आए तो आप यहाँ पर जाके ले सकते हैं है। आपके लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ ठीक है वरना मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि मेरी सारी फैमिली मेरे साथ थी आज था कि बस जल्दी से शॉपिंग करनी है और जल्दी से घर जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर हमारे डिनर को बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है तो फिर बस घर से डांट पड़ती है कि नहीं जो लंच डिनर है वो टाइम पर करना है तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि कपड़ों का फैब्रिक जोन सा भी लो ना वो कंफर्टेबल हो और इजीली जब डेली रूटीन में पहनना हो वो इजीली हम पहन लें और इसीलिए अगर आप भी कोई ब्रांड शॉपिंग करते हैं तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि कपड़ा कंफर्टेबल है कि नहीं मैं कहती हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला मैंने यहाँ पे मैंने एक ब्लू ड्रेस देखा था मुझे ना ये पर्पल ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है आजकल ना मेरा दिल करता है कि मैं एक ड्रेस लूँगी बहरहाल मेरे पास इस तरह के दो ड्रेसेस ऑलरेडी हैं तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये तो वेस्ट होने वाली चीज़ है अभी वो चीज़ लो जो नहीं ये भी मुझे ब्लू कलर पसंद आया बहरहाल मुझे इतना दिल को नहीं लगा बहरहाल ये अच्छा लगा तो इसमें थोड़ा सा ना जैसे तिल्ले का काम था जैसे ये ना एक तिल्ले की तार का काम था वो मैं बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनती हूँ मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं वो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता उस कपड़ों में ना तो आजकल जितनी सेल है तो मैं कहती हूँ जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा क्राउड था बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे और स्टफ भी बहुत अच्छा था तो यहाँ पे जी हमने शॉपिंग की यहाँ से जो हमने ड्रेस लेना था वो हमने ले लिया था और फिर हमने थोड़ा सा बाहर जाके कुछ जैसे भी ट्राउज़र थे उस, उसके साथ शर्टें मैच नहीं हो रही थी तो वो फिर हमने बाहर जो ये है गुलगश्त वहाँ से हमने ली अच्छा यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना हमें यहाँ छोड़ के चले गए थे ब्रांड्स में कि भाई आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करोगे फिरोगे तो मैं इतना वेट नहीं कर सकता फिर हमने वहाँ से क्या किया वहाँ से फिर हमने रिक्शा करवाया और हम मेन बाजार में मेन मार्केट में, में, में गए और यहाँ पे मेरे बच्चे बैठ के इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं रिक्शे में बैठ के जैसे पता नहीं कहाँ आ गई है तो रास्ते में शॉप आती है ये एक बहुत अच्छी शॉप है बहुत बड़ी शॉप है अच्छी शॉप है यहाँ से ना मुझे कुछ हैंड फूड की स्किन पॉलिश चाहिए थी तो मैंने कभी भी ऐसे यूज़ नहीं की है जो अच्छी कंपनीज की होती हैं वही यूज़ करती हूँ ये भाई ने कहा कि आप एक बार यूज़ करें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो चलें जी मैंने इस बार इनके कहने पर ये भी ले लिया है ये ट्राई भी करती हूँ कि कैसा इसका रिज़ल्ट है मुझे फेयर नहीं चाहिए होता मुझे ना वो बिल्कुल स्मूथ स्किन कर दें आपकी थोड़ी सी नीट कर दें बस ये इतना ही इनका काम बहुत होता तो यहाँ से जो जो हमने चीज़ लेनी थी वो हमने ली और मम्मा बोल रही थी कि जल्दी आए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको पता ही है कि जब हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं ना तो वहाँ पे टाइम तो लगता ही है फिर जी हम यहाँ पे पसंद करते कराते एक शॉप पे आए दो तीन शॉप्स बस हमारी हैं जहाँ पे हम जाते हैं वहां पे यार वहां जाके जी हमने ये सारे कपड़े देखे और क्योंकि आपको पता है कि ये सीजन गर्मियों की सारी एंडिंग है तो सारी वो बस वाइंड अप कर रहे थे तो कुछ जो थे कलर्स और स्टफ अच्छे थे और इसमें भी ऑफ थी तो यहां से भी मैं हमने सारी शर्ट्स ले ली उसके बाद ना मैं चलेगी स्टाइलो स्टाइलो में ना आजकल मुझे एक जूती पसंद आई हुई है भरल वो मुझे लेनी भी है और नहीं भी लेनी <laughs> बस थोड़ा सा ना वो मेरे लिए जरा इजी नहीं है इसको ज़्यादा यूज़ करना ना जैसे भी इतना कहीं नहीं जाती हूँ मैं तो सारा दिन घर पे होती हूँ बच्चों के साथ होती हूँ ये ज़्यादा कपड़ों की और जूतियों की शॉपिंग वो ही करती हैं जिनका आना जाना बहुत ज्यादा होता है तो मेरा इतना नहीं है क्योंकि मैं इतना जाती नहीं हूँ तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा हट के रहती हूँ बस ये मेरी नेचर भी है और ये मेरी आदत भी है और कपड़ों का ज़्यादा मुझे इतना शौक़ नहीं है जो मेरे व्लॉग्स देखते होंगे जो शुरू से मेरे साथ हैं वो उनको पता होगा कि अनम को कपड़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं है मुझे इन चीज़ों का नहीं है ना इतनी ज़्यादा पर्स का शौक है ना कपड़ों का तो बहरहाल ये है कि जब कहीं ज़्यादा जैसे किसी शादी वगैरह पे आना जाना होता है वहाँ पे तो भी ज़ाहरी बात है वहाँ पर तो हमने अच्छे कपड़े ही पहन के जाने होते हैं ना तो जैसे हमने सारी शॉपिंग कर ली थी और उसके बाद यहाँ पे गोलगप्पे वाला था तो मुझे इतना दिल कर रहा था कि मैं चले यहाँ पे आई हूँ खा लूँ और बच्चों ने यहाँ से आइसक्रीम खाई थी तो तब तक जी हस्बैंड की कॉल भी आ गई थी कि हो गए हो फ्री तो हमने कहा हाँ जी हम हो गए हैं तो हमें आए लेने और हम घर गए और जैसे ही मैं घर गई ना और आपको पता ही है कि मैं टिक के नहीं बैठती हूँ मैंने ना कहा कि चलें जी बच्चों के लिए वीकेंड है और यहाँ पे एक अच्छी सी न्यू रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ भी यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ले लिया पानी वन टेबल स्पून सॉरी हाँ वन टेबल स्पून मैंने यहाँ पे इसमें डाली है शुगर एंड फिफ्टी ग्राम आपने बटर डालना है फिफ्टी ग्राम ठीक है और पिंच ऑफ सॉल्ट इसको आपने फ्ले हाई फ्लेम पे आपने इसको एक से दो बॉयल लेकर आ जानी है जैसे इसको बॉयल आ जाएंगे आपने इसके अंदर मैदा ऐड करना है हाफ़ कप हाफ कप मैदा ऐड करके आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है ठीक है और आपने हैंड विक्स के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बिल्कुल जैसे बीट करते हैं ना कि पूरा मैदा इकट्ठा हो जाएगा वैसा आपने कर लेना और ये बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही ज़बरदस्त है बहुत जल्दी बन जाती है बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं तो काइंडली आप अपनी जो लिस्ट है आपकी जो लंच बॉक्स की लिस्ट है उसमें ये भी लाजमी शामिल करें अच्छा जी ये बन गया इसको एक से दो मिनट बस पकाना है ज़्यादा इसको नहीं पकाते पकाते नहीं रह जाना जैसे ये हो जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा हॉट से वार्म करूँगी ठीक है बहुत ज़्यादा गर्म से थोड़ा सा वार्म करना है नीम गर्म जैसे कोसा भी कहते हैं ठीक है थीके? जब जैसे वो कोसा हो जाएगा थोड़ा सा नीम गर्म हो जाएगा तो मैं इसको हल्का सा बीट करूँगी बस एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरा जो हैंड बीटर है और जो स्विच है वो थोड़ा सा दूर है वहाँ पर मैं कैमरा लेकर आ रही जा रही थी मुझे थोड़ी सी ज़रा परेशानी हो रही थी तो पहले मैंने जो इसकी पेस्ट्री सी बनाई थी उसको मैंने अच्छे से बीट किया उसके अंदर एक अंडा डाला फिर बीट किया फिर दूसरा अंडा डाला बीट किया और इसकी जो कंसिस्टेंसी जो आप रनिंग पॉइंट वी शेप में देख रही हैं वहाँ तक मैं लेकर आई और जी बस जी ये बन गई हमारी अच्छी सी पेस्ट्री की डो ठीक है और आप इसको पाइपिंग बैग में डाल के कोई भी अच्छी सी खूबसूरत सी नोजल के साथ आप ट्रे पे बचाएं एक बटर पेपर लगाएं उसके ऊपर जी आप इसको करें पूरा वो जो पाइपिंग बैग से पाइप करें और आप इसको बेक कर लें अच्छा जी आपने इसको बेक करना है 190 पे 190 डिग्री पे ऊपर नीचे की दोनों रोड ऑन करके आपने 10 मिनट के लिए इसको प्रीहीट करना है और ये 20 मिनट्स में बेक हो जाती है 20 मिनट्स ना भी सही तो 25 मिनट्स में ये परफेक्ट बेक हो जाएगी और जब ये बेक हो जाएगी तो आपने इसको आधा घंटा ओवन के अंदर ही रहने देना है ये इतनी ज़्यादा रात है जब मैं काम कर रही हूँ ये देख लें ठीक है तो जैसे आधा घंटा हो जाएगा और वो थोड़ी सी उसके अंदर ही रहेंगे जो उसकी कसर होगी थोड़ी सी कोई उसके अंदर मॉइस्चर होगा ना तो वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपने उसको ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम ले ली और क्रीम का डब्बा देखा तो बिल्कुल ख़त्म था और मैंने ऐसे ही फ्रिज में रखा हुआ था उफ चलिए बहरहाल जी इसके लिए तो पड़ी हुई थी ना तो मैंने जल्दी से डब्बे को पूरा फाड़ा उसमें से बिल्कुल अच्छे करके उसको निकाला निकाल के मैंने उसको हार्ड व्प किया और मैंने यहाँ पर बना लिया था कस्टर्ड वनीला कस्टर्ड जो आप प्लेन कस्टर्ड बनाते हैं वो बना लें थोड़ा सा हार्ड बनाना है ठीक है क्योंकि उसने क्रीम के अंदर जाना है तो उसके बाद आपने दोनों को अच्छे से बीट कर लिया बीट करने के बाद आपने ये जो हमने बनाए हैं इकलेयर्स बनाए हैं आपने ना इसके हॉल कर लेने हैं ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे जब आप गिराएंगे इसको तो टक टक की आवाज़ आएगी ठीक है जैसे ये हो जाएगा फिर हमने इसको पाइपिंग बैग में डाल के इसको पाइप कर लेना है इसको फिल कर लेना है जैसे ये फ़िल हो लेंगे आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और चॉकलेट के साथ कवर करके भी खा सकते हैं उसके ऊपर आप जो उनसे मर्जी ड्राई फ्रूट्स लगाएं जो आपके बच्चे पसंद करते हैं मैंने इसके ऊपर काजू लगाया था और बहुत सारे के ऊपर मैंने लगा दिया था बादाम का पाउडर सा ठीक है जो मेरे पास अवेलेबल था और ये था जी मेरा आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा वैसे भी आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ तो मैं फिर भी आपके लिए वीडियो शूट करती हूँ और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी मेरी एक सिस्टर हैं आपने उनका चैनल को लाइक करना है कमेंट्स करने हैं और उनके चैनल का लिंक जो है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इन तो आपने उसको जाके सपोर्ट करनी है फुल सपोर्ट करनी है आपने और ओके जी अल्लाह हाफिज़ बाय बाय अब कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में